टीवी एक्टर वैशाली ठक्कर के सुसाइड में शोबिज इंडस्ट्री को बड़ा शॉक दिया है। कैफे 31 साल के एक्टर जिसे अभी और ऊंचाइयों को छूना था अब हमारे बीच नहीं है। वैशाली ने सुसाइड नोट में बताया है कि उन्हें राहुल नवलानी परेशान कर रहा था। राहुल वैशाली का पड़ोसी था। पुलिस ने राहुल के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। राहुल और वैशाली के बीच के रिश्ते को लेकर भी नई डिटेल सामने आई है। तेजा नगर पुलिस स्टेशन के SHO के मुताबिक राहुल अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, उसकी तलाश जारी है। राहुल और वैशाली का रिलेशनशिप था। राहुल एक्टर को लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। राहुल वैशाली को शादी नहीं करने दे रहा था। इसके बारे में वैशाली का पूरा परिवार जानता था। परिवार वालों के बयान दर्ज किए गए हैं जिसमें दावा है कि राहुल वैशाली को लेकर गलत अफवाह उड़ा रहा था, अपने और वैशाली के रिश्ते के बारे में एक्टर के होने वाले पति को बता रहा था। पुलिस ने राहुल ही नहीं उसकी पत्नी दीपा के खिलाफ भी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। राहुल नवलानी ने इससे पहले भी वैशाली ठक्कर की शादी तोड़ने की कोशिश की थी, इसमें राहुल को कामयाबी भी मिली थी। जानकारी के मुताबिक राहुल ने वैशाली के इंडस्ट्री मंगेतर को एक्टर की तस्वीरें और वीडियो भेजे थे। इसी का नतीजा था कि वैशाली की सगाई टूटी थी।